तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अभिषेक चौधरी और आज की वीडियो में आपको बता रहा हूं बेस्ट 1 GB रैम पीसी गेम्स जिसमें एक्शन एडवेंचर और हॉरर गेम्स शामिल है जिन्हों खेल का वो बहुत मजा आने वाला है। तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन और चलते हैं आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 और एक फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसको डेवलप किया इन्फिनिटी वार्ड ने और पब्लिश किया एक्टिविजन ने, जो कि रिलीज हुआ था 28 अक्टूबर 2022 को। तो दोस्तों, गेम फॉलो करता है टास्क फोर्स 141 और मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेज को, जो हसन जानी नाम के टेररिस्ट को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं जिसके पास अमेरिकन मेड मिसाइल्स होती हैं। वहीं इस गेम में आपको कैंपेन, कोऑपरेटिव मोड, वाटर फिजिक्स और स्विमिंग मैकेनिक्स में एडवांस AI सिस्टम देखने को मिलता है। साथ ही इसके गेम प्ले में नए फीचर्स और मूवमेंट्स डाले गए हैं जैसे डाइव टू प्रोन, लैज हैंग, व्हीकल हाईजैकिंग और लेन आउट ऑफ व्हीकल विंडोज। तो दोस्तों, अगले गेम का नाम है डेड आइलैंड रिप्टाइड और एक सर्वाइवल हॉरर वीडियो गेम है जिसको डेवलप किया टेक लैंड ने और पब्लिश किया डीप सिल्वर ने, जो कि रिलीज हुआ था 26 अप्रैल 2013 को। तो दोस्तों, इस गेम की स्टोरी कंटिन्यूड है 2011 में डेड आइलैंड गेम से, जिसमें 4 सर्वाइवर्स होते हैं जिसमें एक और नया जुड़ चुका है और वो एक दूसरे आइलैंड पर जा रहे होते हैं जहाँ पर पहले से ही जॉम्बीज मौजूद होते हैं। वहीं इस गेम में आपके पीछे टोरसो टाइप के जॉम्बीज पड़े होते हैं जिनसे आपको बचना पड़ता है और उस आइलैंड पर सर्वाइव करना होता है। साथ ही इस गेम में आप फेंस और ट्रैप का यूज़ करके जॉम्बीज को दूर रख सकते हैं और अपने हीरो और वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अगले गेम का नाम है रॉकेट लीग और एक वहीकुलर सॉकर वीडियो गेम है जिसको डेवलप और पब्लिश किया साइनिक्स ने, जो कि रिलीज होता 7 जुलाई 2015 को। तो दोस्तों, इस गेम में प्लेयर्स रॉकेट पावर कार्स को कंट्रोल करते हैं और एक बड़ी बॉल को हिट करने की कोशिश करते हैं ताकि अगली टीम का गोल करके स्कोर कर सकें। साथ ही इसमें आप इन गेम आइटम जैसे पेंटेड कार्स, एक्जोटिक व्हील्स और गोल एक्सप्लोजन खरीद सकते हैं। वहीं इस गेम में प्लेयर्स की कार जंप भी कर सकती है और स्पीड बूस्ट भी अवेलेबल होता है ताकि बॉल को जोर से हिट कर सकें। साथ ही इसमें हर मैच 5 मिनट का होता है जिसको 1x1 और 4x4 की टीम के साथ खेल सकते हैं। तो दोस्तों, अगले गेम का नाम है टर्मिनेटर सेल्वेशन और एक थर्ड पर्सन एक्शन शूटर वीडियो गेम है जिसको डेवलप किया ग्रीन ने और पब्लिश किया इक्विटी गेम्स ने, जो कि रिलीज हुआ था 29 मई 2009 को। तो दोस्तों, ये गेम बेस्ड होता है ह्यूमन और मशीन के बीच के वार पे, जहां प्लेयर स्कैनेट और दूसरे टाइप के एनिमीज से फाइट करता है। साथ ही उसको कॉन्स्टेंटली मूव, फ्लैंक, कवर और अपने स्वैट को यूटिलाइज करना होता है ताकि गेम में प्रोग्रेस कर सके। तो दोस्तों, इस गेम में AI एनिमीज उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और वो थोड़े रिलेटिवली स्ट्रांग होते हैं उससे। वहीं इस गेम में प्लेयर बहुत से वेपन्स यूज कर सकता है जैसे M4 कार्बाइन, RPG-7, ग्रेनेड लॉन्चर और शॉटगन। साथ ही वो दूसरे प्लेयर के साथ मल्टीप्लेयर मोड में भी खेल सकता है स्प्लिट स्क्रीन मोड के जरिए। तो दोस्तों, अगले गेम का नाम है पेडे द हीस्ट और एक कोऑपरेटिव फर्स्ट पर्सन शूटर वीडियो गेम है जिसको डेवलप किया ओवरकिल सॉफ्टवेयर ने और पब्लिश किया सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने, जो कि रिलीज हुआ था 20 अक्टूबर 2011 को। तो दोस्तों, ये गेम 4 ओवर्स के अराउंड फोकस होता है जो टीम अप करके बड़े से बैंक को लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सिविलियंस को मारने की इजाज़त नहीं होती, पर वो जरूरत पड़ने उन्हें होस्टेज बना सकते हैं। वहीं इस गेम में प्लेयर बहुत से फायर आर्म यूज़ कर सकता है ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने के लिए, जो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट या मनी को स्टील करने के अराउंड सेट होते हैं। साथ ही आपको हर लेवल में बहुत ही वेरिएशन और कंडीशन देखने को मिलती हैं और अगर आप सही समय में रिवाइव नहीं हो पाते तो आपको अरेस्ट भी कर लिया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बेहतरीन बेहतरीन वीडियो बनाता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली धमाके वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स पीस आउट।